वेलकम बेटी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करूंगा कि अगर जो है वो आप यूपीएससी की ईएससी यानी कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें जो है वो अगर आपसे जो है वो ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो आपसे जो है वो फाइनली ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ओके, तो कैसा जो है वो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए उस बारे में जो है इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके, तो इस वीडियो में जो है वो क्या क्या मैं पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं पहले मैं वो आपको बता देता हूं और फिर वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है वो इंट्रोडक्शन जो कि हो चुका है, उसके बाद जो है वो क्रूशियल डेट क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक की रहती है वो बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा दिखता है वो भी, और उसको डाउनलोड करने का लिंक भी दे दूंगा। उसके बाद अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, अगर आपके पास जो है वो ये प्रोविजनल और क्लियर का क्या खेल है, और स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट एंड कुछ बोनस पॉइंट्स। तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपको जो है वो पूरी जानकारी मिल जाए। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको सारे जो है वो थोड़ा समय लगेगा, मीन्स आपके पास अगर अभी समय नहीं है तो आप वीडियो को वॉच लेटर में रख सकते हो, लेकिन फिर जब आप इसे आपके पास इत्मीनान से आप बैठोगे तो 10-15 मिनट आपको समय दोगे तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है वो अगर आप ये देखोगे तो ये 2022 की जो है वो 2023 की जो है वो आई है यूपीएससी की। ओके, तो इसमें जो है वो ईएससी में आप देखो तो जैसे जो है वो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है उसी को क्रूशियल डेट कहते हैं। तो ये बात आप सभी को समझ लेनी है कि ये जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है जो कि 4 अक्टूबर 2022 है, यही जो है वो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है और यही जो है वो आपका क्या है, यही आपका जो है वो क्रूशियल डेट है। तो क्रूशियल डेट आपका यही है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं होगा। ओके, सो ये बात क्लियर हो गई। क्रूशियल डेट का क्या इंपॉर्टेंस है वीडियो के मैं आगे बताऊंगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा तो वो क्या क्या कैसा रहना चाहिए, कब तक का रहना चाहिए, वो भी तमाम चीज़ें जो है यहाँ नीचे मेंशनड है, उस चीज़ को जब आप पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो है वो अगर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस इन सभी की कैटेगरी के बेसिस पर अगर रिजर्वेशन ले रहा है तो उसे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट है जो अगर ओबीसी के लिए ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें जो है वो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, और जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और 19-20 के बेसिस पे बना हुआ होना चाहिए। ओके, तो ये जो है वो जो दूसरा वाला जो मैंने मीन्स घेरा है, ओके, रेक्टेंगुलर टाइप का, तो उसे आप पढ़ें तो इसमें जो है वो क्लियरली मेंशन है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी में लाई करते हो, और अगर आप क्रीमी लेयर में लाई करते हो तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में क्या अंतर है, क्रीमी लेयर मतलब कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो ग्रेटर देन 8 लाख पर एनम है। ओके, और अगर आपकी फैमिली इनकम जो है वो लेस देन 8 लाख पर एनम है तब आपको जो है वो नॉन क्रीमी लेयर में लाई करोगे तभी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, क्रीमी लेयर में नहीं मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान से समझ लेना है, और अगर जो है आप नॉन क्रीमी लेयर में लाई करते हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा एज अ प्रूफ। अब देखिए इसमें जो है वो आप देखोगी यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि बेस्ड ऑन इनकम। ओके, तो बेस्ड ऑन इनकम के बेसिस पे होती है, सिर्फ आपके कास्ट के बेसिस पे नहीं होती है। और कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर, तो इन तीनों फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे आपका सर्टिफिकेट बना हुआ हो तभी आपको जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि इसका जो फॉर्मेट ये सभी होगा वो कैसा होगा, और अगर आपके पास अभी फॉर्मेट नहीं है तो आप कैसे फॉर्मेट बनवा सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप जो है वो बाद में सोचोगे कि मैं अपनी कैटेगरी बदल लूँ तो वैसा नहीं होगा। ओके, आप ये वाला पैराग्राफ देखेंगे तो इसमें क्लियरली मेंशनड है कि आप जो है वो बाद में अपना कैटेगरी ये सभी चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्लियरली जो है वो नोट 6 में लिखा गया हुआ है, आप इसे पढ़ें तो इसमें लिखा गया हुआ है कि कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी रिजर्वेशन ओनली इन द केस ऑफ पर्टिकुलर कास्ट टू विच द कैंडिडेट बिलोंग। ओके, मीन्स वो जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उन्हीं में जो है उनको रिजर्वेशन मिलेगा। और सीधा यहाँ लिखा गया हुआ है नो रिक्वेस्ट शैल बी एंटरटेन टू चेंज द रिजर्व्ड कैटेगरी। ओके, तो पूरा आप इसे पढ़ेंगे तो आपको भी वही समझ में आएगा कि आप अपना कैटेगरी चेंज नहीं करा सकते हो। ओके, मीन्स आप जो है वो ईडब्ल्यूएस से एसटी या फिर एससी से एसटी तो ये सभी ओबीसी से ईडब्ल्यूएस ये सभी नहीं होगा। ओके, एंड यहाँ पे जो है वो अगर आप देखें कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि अगर नो रिजर्व्ड कैटेगरी, अगर वो मीन्स अगर कोई भी कैटेगरी में रिजर्व नहीं रहते हैं तो उन्हें जो है वो जनरल कैटेगरी से सीट मिलेगी तो मिलेगी, नहीं तो फिर उनका सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये बात यहाँ पे क्लियरली मेंशन करी गई है।
अब इसके बाद जो है वो आप देखेंगे कि इसका जो फॉर्मेट होता है तो वो कैसा होगा, और ये सब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, इसका एक पेज का फॉर्मेट होता है, यही एक पेज का फॉर्मेट है, और इसी फॉर्मेट पे आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, और इस फॉर्मेट को ज़रा मैं जूम करके दिखा दूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आपका बेसिक सा नेम डिटेल्स रहेगा, एड्रेस, फादर्स नेम, ये सभी, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मिस कास्ट क्या है आपका, रिजोल्यूशन नंबर, ये सब तमाम चीज़ें। तो आपको उतना सोचना नहीं, रिजोल्यूशन नंबर वो लोग भर के खुद दे देते हैं। यहाँ पे नीचे जिस भी ऑफिसर से आप साइन करवाओगे तो उनका सील, मोहर, ये सब। अगर कुछ स्टेट्स में जो है वो फ़ोटो भी प्रोवाइड कराते हैं, तो अगर फ़ोटो प्रोवाइड करा रहे हैं तो ठीक है, नहीं फ़ोटो रहेगा तब भी कोई बड़ा बात नहीं है। ओके, चलेगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो है वो ये रिजोल्यूशन नंबर है। तो ये रिजोल्यूशन नंबर्स आपके आपके काम को नहीं है, वो ऑफिसर्स खुद भरते हैं, या फिर वो जो है वो स्टेट टू स्टेट, ये भी जो है वो डिपेंड करता है अमेंडमेंट के हिसाब से। ओके, अब देखो, ये जो है वो एक पेज का मैंने आप सभी के लिए बनवा लिया था, मैंने आप सभी को दिखाने के लिए एक रखा हुआ है कि कैसा जो है वो सैंपल हो सकता है। तो एक यूपी के कैंडिडेट का है। ओके, तो देखेंगे आप, यहाँ पे जो है वो उत्तर प्रदेश शासन लिखा हुआ है। अब जिस भी स्टेट से रहेंगे तो वो उस स्टेट का गवर्नमेंट का वहाँ लिखा रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिहार से है तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार, या फिर बिहार सरकार, ऐसा लिखा रहेगा। अगर आप महाराष्ट्र से है तो वहाँ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, या फिर महाराष्ट्र सरकार, ऐसा लिखा रहेगा। ओके, तो उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे कि आवेदन संख्या और प्रमाण पत्र क्रमांक और यहाँ पे डेट। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आपके सर्टिफिकेट पे नहीं होगा तो फिर बाद में जो है वो वेरिफिकेशन ये नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये सभी चीज़ें आपके सर्टिफिकेट पे डेफिनेटली होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है वो लिखा गया हुआ है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई अदर बैकवर्ड क्लासेज अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आपको जो है वो ऐसा ही फॉर्मेट पे देना होगा। ओके, वही चीज़ें लिखी गई हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मीन्स अपॉइंटमेंट के पर्पज़ से आप दे सकते हो इसको। यहाँ पे देखोगे आप तो आपको जो है वो कैंडिडेट का फ़ोटो है, और उसको मैंने ब्लर कर दिया है थोड़ी सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। हो सकता है आपके फॉर्मेट में जो है आपको जो सर्टिफिकेट बन गया है उसमें फ़ोटो हो या फिर ना हो, तो भी चलेगा। अब यहाँ पे जो बेसिक सी जो कैंडिडेट की डिटेल्स थी, उन सभी चीज़ों को मैंने हाइड कर दिया है, और वो सभी रहेंगी। यहाँ पे रिजोल्यूशन नंबर देखिए जैसे कि जो है यहाँ पे, तो वो सभी आपको नहीं सोचनी है, वो जो भी अमेंडमेंट होते रहता है उसके हिसाब से आपको ऑफिस में बढ़ के मिल जाएगा, उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे जो है आप देखो कि नीचे में जो है वो, जैसे मैं यहाँ पे देखोगे आप तो नीचे में जो है वो आपको सिग्नेचर ये सभी मिलेगी। ओके, मोहर भी मिलेगा, QR कोड भी है, सिग्नेचर भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों चीज़ आपको देखने को मिले। ओके, अगर सिर्फ सिग्नेचर रहेगा तो भी चलेगा, और सिग्नेचर और मोहर, या फिर आप जो है वो डिजिटली सेंड रहेगा तो मोहर नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा। ओके, तो वो ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है कि वो मोहर लगा देते हैं या नहीं लगा देते हैं, ये सभी तमाम चीज़। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो है वो क्या है, ये QR कोड है। तो QR कोड मतलब डिजिटली सेंड, डिजिटली जब आपका बनता है तब तो आपको लगा रहता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये डिजिटली सेंड लिखा गया हुआ है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप थोड़ा पढ़ पाओ। तो ये डिजिटली सेंड आपको तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मीन्स फाइनली जो है वो डिजिटली सेंड बाई प्रभात कुमार, ऐसा लिखा हुआ है। ओके, प्रभात कुमार सिंह, और ये जो भी जो सर्कल ऑफिसर है यहाँ पे जो है वो तहसीलदार के हस्ताक्षर है। आप इसे अगर पढ़ाई हो रहा हो तो यहाँ पे लिखा गया हुआ है सक्षम अधिकारी तहसीलदार। ओके, तो जो तहसीलदार लेवल पे जो है वो सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो अगर आपका सर्टिफिकेट भी तहसीलदार लेवल पे बना हुआ है तो वो चलेगा। और यहाँ पे आप देखें कि वो किस दिन बना है, तो ये 27/8 को जो है वो हुआ हुआ है, और जो कैंडिडेट को प्राप्त हुआ है वो 18/8 को मीन्स जारी जो है वो किया गया था 18/8 को, और हस्ताक्षर ये सभी हुआ है 27/8 को। तो ऐसे सॉरी 27/6 है शायद, नहीं 27/8 है। ओके, तो वो जो है वो आपका सर्टिफिकेट पे ये सभी तमाम चीज़ें मेंशन रहेंगी, आपका भी ऐसा ही लिखा रहेगा। तो ये जस्ट सैंपल के तौर पे मैंने लिया है आपको दिखाने के लिए। और कुछ स्टूडेंट का डाउट रहता है कि कौन सी लैंग्वेज में सर्टिफिकेट होगा तो अच्छा है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपका सर्टिफिकेट अगर आप इंग्लिश में निकलवा सकते हैं तो इंग्लिश में निकलवा लें, क्योंकि फॉर्मेट भी यूजुअली इंग्लिश में ही रहती है। इंग्लिश में नहीं मिलता है तो आप फिर हिंदी में निकलवाएँ, या फिर जो है वो आप रीजनल लैंग्वेजेस में निकलवाएँ, जैसे कि मराठी, या फिर कन्नड़, तेलुगु, या फिर बांग्ला, वो सभी। उसके बाद जो है वो आपको फॉर्मेट ये सभी को डाउनलोड करने का लिंक मैंने दे दिया है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर पाएंगे। इसके बाद जो है वो मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर जो है वो आप सोच रहे होंगे कि इसका जो है वो
सर्टिफिकेट में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है, आप इसे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की जो है वो वेबसाइट्स पे आप जाके देख सकते हो, या फिर जो है वो आप CSC सेंटर वालों से संपर्क करके जो है वो बनवा सकते हो। ओके, या फिर आप खुद जो है वो ब्लॉक, ओके ब्लॉक या फिर कुछ जगह तहसील कहते हैं, तो तहसील वहाँ पे जाके खुद जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, और या फिर ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वहाँ पे जाके आप फिर से बनवा सकते हो। ओके, तो ये तमाम चीज़ें हो गई। अब कौन कौन से ऑफिसर्स के लेवल से आप बनवा सकते हो, तो आपको मिनिमम जो है वो तहसीलदार लेवल के रैंक के ऑफिसर से बनवाना है, तहसीलदार या फिर ब्लॉक या फिर नैब तहसीलदार, कुछ जगह नैब तहसीलदार भी कहते हैं, तो उनके लेवल के ऑफिसर से बनवाना है। एंड आपको कोशिश करनी है कि आपका जो सर्टिफिकेट हो वो वार्ड पार्षद, मुखिया, ये सभी से ना बना हो, SDM, ओके SDM या फिर SDO, इन सभी के ऑफिसर से, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव, ओके तो उन सभी से, चीफ DM लेवल का, तो वो सभी लेवल का आपका सर्टिफिकेट चलेगा। और आई होप कि ये पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं। एंड आपका सर्टिफिकेट जो है वो कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020-21, ओके 21-22 और 19-20, ओके तो ये 3 साल का आपका सर्टिफिकेट इससे पुराना नहीं होना चाहिए, इस 19-20 के पहले का नहीं होना चाहिए। आपको कोशिश करना है कि सर्टिफिकेट आपका 2020 के बाद ही बना हुआ हो, ताकि आपको बाद में कोई भी इशू ना हो, क्योंकि ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट भी जो है वो सही नहीं रहता है। अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक नया सर्टिफिकेट भी बनवा लें, ताकि जब आपकी ऑनलाइन जब आपके इंटरव्यू हो तो आपको कोई भी इशू ना हो, ओके ताकि आप जो है वो इसे प्रोवाइड कर पाओ और अपना जो है वो कैटेगरी प्रूफ कर पाओ कि हाँ मैं 100% इसी कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ। तो ये कुछ बात सी, और मैंने जो है मैक्सिमम पॉइंट्स लेने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप पूछ लेना। मैंने इंट्रोडक्शन ये सभी कवर कर दिया, क्रूशियलिटी मैंने आपको बता दिया। देखिए वैलिडिटी क्या होती है कि यूजुअली OBC सर्टिफिकेट चूँकि इनकम के बेसिस पे बनती है, तो उसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है, ओके 1 ईयर होती है, और ये जो है वो आप ऑनलाइन हर साल आपको बनवाना पड़ेगा अगर आप जो है वो रिजर्वेशन लेना चाहते हो। तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि देखो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप जो है वो 3 डॉक्यूमेंट्स बनवा के हमेशा रख लो अप्रैल के महीने में। एक हो गई आपकी OBC NCL सर्टिफिकेट, ओके दूसरी हो गई आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और तीसरी हो गई आपकी जो है वो इनकम सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट आप हमेशा बनवा के रख लिया करो जब भी आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ताकि आपको बाद में कोई भी इशू ना हो, ओके एंड फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया है, फॉर्मेट आपका डाउनलोड करने का लिंक मैंने दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको मैंने बता दिया है कि आप जो है वो ऑनलाइन कहाँ से बनवा सकते हो, वहाँ से आप सर्टिफिकेट बनवा लेना। अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो है वो उसके लिए आपको फिर बाद में कैंडिडेटर कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ओके तो इसलिए आपको सही और जो कि असली सर्टिफिकेट है वही प्रोवाइड करना है, फर्जीवाड़ा कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो है प्रोविजनल और क्लियर का खेल क्या होता है कि कभी कभी कैंडिडेट्स का कुछ सर्टिफिकेट में थोड़ी इशू आ गई तो उनको टाइम दिया जाता है बनवा लेने का, नया या फिर पुराना है तो वो भी अगर आप देख सकते हो कुछ तो वो आपको सुधार या फिर ये सभी करवा सको, ओके। और स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट का देखो आपका जो ये जॉब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो इसलिए जो है वो जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट पे भी आपका जो है वो मीन्स आप देखोगे तो अपॉइंटमेंट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है, ओके गवर्नमेंट ऑफ स्टेट नहीं लिखा रहता है किसी स्टेट का, तो इसलिए जो है वो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपका सर्टिफिकेट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कि लेवल का है एग्ज़ाम, तो इसलिए वहाँ पे आपको ऐसा ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आई होप कि मैक्सिमम जो भी पॉइंट्स हो सकती थी वो मैंने कवर करने की कोशिश की है, एंड फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप जो है वो UPSC के ESE यानी कि IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर जो है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहे हो, तो आप जो है वो इनफ नंबर ऑफ़ टेस्ट सीरीज यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे सिविल के लिए जो है वो यहाँ पे 115 टेस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 59, प्रीलिम्स वालों के लिए 56, मैकेनिकल वालों के लिए 69, और गेट की भी प्रिपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हो अगर आप चाहे तो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक ऐप से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो है वो और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो सिविल की जैसे कि जो है यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, अगर जो है वो यहाँ पे आप देखो तो 38 जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि आप एज अ टेस्ट जो है वो इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे जो है वो 23 जो है वो सब्जेक्ट टेस्ट, उसके बाद जो है यहाँ 48 चैप्टर टेस्ट एंड 2 फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा है, एंड
टू सीजनल टेस्ट एंड टू फुल टेस्ट। तो ऐसे ही जो है वो आपको मिनिमम जो है वो इतना अभी अभी आपको देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे जो है वो एग्ज़ाम नज़दीक आती जाती है जो है वो टेस्ट सीरीज की संख्या इसमें बढ़ती जाती है। ओके, तो आप चाहे तो इससे जो है वो परचेज़ कर सकते हो, और आप इसका फ्री टेस्ट भी ले सकते हो, यहाँ पे जो है वो फ्री टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर आपको देखने को मिलता है, तो प्रीवियस ईयर जो है वो जैसे 2020, 2021, 2019, 2018 ऐसे जो है आपको देखते जाओगे तो आपको मीन्स इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। ओके, सो आप इस ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो, जो कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और इस ऐप से आप सिर्फ मीन्स ESE की ही तैयारी नहीं, अगर आप अदर एग्जामिनेशंस, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होती है, ओके, SSC की अगर आप बात करें तो CGL लेवल की, क्योंकि आप जो है वो ऑफिसर लेवल की एग्जामिनेशन सोच रहे हो तो CGL की, या फिर जो है वो अगर आप बैंकिंग में भी हल्का इंटरेस्टेड हो तो आप जो है वो PO लेवल की एग्जामिनेशन SPIPO या फिर IBPS PO इन सभी की, और अगर आप डिफेंस एग्जामिनेशंस में जाना चाहते हो तो डिफेंस एग्जामिनेशंस की जो FCAT ये सभी की होती है, ओके, तो FCAT वालों की आप देख सकते हो। तो इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेंगे, और जितने भी क्षेत्र हैं जैसे SSC, बैंकिंग, टीचिंग एग्जामिनेशंस, वो सभी की जो है वो टेस्ट सीरीज आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप कि आप जो है वो इस ऐप को इंस्टॉल कर लोगे, और इसको डाउनलोड करने का लिंक मैंने दे दिया है। अब इसकी जो प्राइसिंग डिटेल्स रहती है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो देखिए, टेस्ट बुक पास की जो है ऑफर चलते रहती है, तो उसमें जो है जैसे लाइफ टाइम पीयर का पास यानी 3 साल का पास आपको जो है वो 599 में मिल रहा है, और 1 ईयर का पास जो कि 365 डेज का पास 399 में मिल रहा है। लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा जिसको यहाँ नीचे मैं अप्लाई कूपन करके आप अप्लाई कर देंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टेस्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है JBYY16 या फिर 660WX3, इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो, और टेस्ट बुक आपको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है पास वाले सेक्शन में जो है वो लॉगिन करके आना है, और यहाँ अप्लाई कूपन पे टैप करके कूपन कोड एंटर कर देना है। कूपन कोड है JBYY16, और जैसे ही मैंने यहाँ पे अप्लाई पे टैप किया तो देखिए इसकी प्राइस जो है ये घट गई। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही थी 599, सो घट के 540 हो गई, और यहाँ दिखाई दे रही थी 399, सो घट के 360 हो गई। तो इसकी प्राइसिंग जो है वो बदलते रहती है, तो आपको उतना वरी नहीं करना है, वो आप कूपन कोड लगा के जो है वो इसे 10-20% जो है वो डिस्काउंट ले सकते हो। और रही बात की जहाँ पे टेस्ट सीरीज की, तो देखो अगर आपके और भी अगर कोई दोस्त या भाई बहन है जो कि अदर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, ओके, तो वो भी इस ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हैं। फॉर एग्जामिनेशन अभी जो है वो NTPC की एग्ज़ाम आई हुई थी जिसमें जो है वो स्टेशन मास्टर इन सभी की जो है वो मीन्स टॉप लेवल की जो है वो फूड जो है वो एग्जामिनेशंस के लिए आई हुई थी, तो उसमें भी आप तैयारी कर सकते हो। अगर आप JEE सभी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इन सभी की भी जो है वो तैयारी कर सकते हो। तो इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो इस ऐप से अपनी तैयारी करोगे, और आप इसे पहले जो है वो फ्री वाला जो है वो आप मीन्स लेके देखें इसका कोर्स, अगर वो अच्छा लगे तो आप इसे जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जो है वो सुपर कोचिंग ये सभी भी चलते रहती है, जैसे यहाँ पे जो है वो आप अगर आप स्क्रॉल करके नीचे में आएंगे तो यहाँ पे नीचे में सुपर का कोचिंग की ऑप्शन रहती है, तो इससे जो है वो आप लाइव क्लासेस भी जो है वो इसके अटेंड कर सकते हो, और गेट के लिए भी जो है वो आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं गेट सर्च करता हूँ तो गेट का आप देखोगे तो गेट के भी जो है वो इनफ नंबर ऑफ टेस्ट आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मैं टेस्ट वाला पे सेक्शन में आया, और जैसे ही मैं नीचे आता हूँ तो देखो कि गेट 2023 की जो है वो अभी आई हुई है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल 168, 159, तो इतना ज़्यादा है वो टेस्ट सीरीज है। और ऐसा नहीं है कि एक बार पास परचेज करोगे तो आप किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, एक बार पास परचेज करने के बाद जितने एग्जामिनेशन हो सभी की तैयारी कर सकते हो, इसलिए जो है ये बेटर ऑप्शन है। और जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मीन्स PSUs के लिए आती हैं उनकी भी जो है यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को, उसकी टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। तो